अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट कर ली थी। उम्मीद है उसमें कोई मसला नहीं होगा। आज हम एक्सरसाइज 2.7 शुरू करेंगे। उससे पहले एक डेफिनेशन से मल्टीनियस इक्वेशन को देखेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट इसको देखें और समझें। अभी हम सिमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करेंगे। जी, सिमल्टेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या है? सिमल्टेनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसके कॉमन सॉल्यूशन होते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू बुक डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच हैव अ कॉमन सॉल्यूशन दैट इज़ कॉल्ड सिमल्टेनियस इक्वेशन। जिसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन आ जाए वो सिमल्टेनियस है। इसकी पहचान ये है, इसमें हमेशा हमारे पास दो वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फाइव, कुछ इस तरह की। एक्स वाई इन्वॉल्व हो सकता है, वाई जी इन्वॉल्व हो सकता है, जी एक्स इन्वॉल्व हो सकता है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहेंगे। एक्स प्लस टू वाई, एक्स वाई इज इक्वल टू थ्री, ये भी सिमल्टेनियस इक्वेशन है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री, ये भी हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन है। आज हमने एक्सरसाइज 2.7 में सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है कि हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। तो अभी हम एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करते हैं। जी, एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और इस हेडिंग है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, और इसकी सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो। ये हैं हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में से एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू फाइव माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें, क्योंकि बाद में हमने x भी निकालना है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे। तो लिखें इसमें इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये जगह x की जगह आ जाएगा 5 माइनस वाई माइनस टू वाई इज इक्वल टू 14 या माइनस 14 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें आप y की वैल्यू निकाल के भी अप्लाई कर सकते थे, यानी अगर y निकालते तो 5 माइनस x होना था, उसको यहाँ अप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, उससे भी इजीली हो जाना था। x अप्लाई करें या y करें इसमें कोई इशू नहीं। तो ये 5 माइनस वाई होल स्केयर हो जाएगा, a माइनस बी होल स्केयर इक्वल होता है हमारे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू इंटू ए इंटू बी। ये फार्मूला ओपन हो गया, यहाँ इधर से माइनस टू वाई आ जाएगा और ये माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, फाइव स्केयर 25 प्लस वाई स्केयर माइनस टू फाइव ज़ा 10 वाई माइनस टू वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब अरेंज करें, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस माइनस टेन वाई माइनस टू वाई माइनस ट्वेल्व वाई प्लस 25 माइनस 14 प्लस 11 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको बाय फार्मूला, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। तो अभी हम इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें वाई स्क्वेयर के कोफिशेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये जाएगा 1 इंटू 11, वाई से पहले माइनस बड़ी वैल्यू माइनस, बाद में प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 1 यूज़ होगा।
ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 11y माइनस 1y प्लस 11 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से कॉमन y आ जाएगा, इधर y माइनस 11 रह जाएगा, इधर से माइनस 1 कॉमन आएगा तो ये भी y माइनस 11 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन y माइनस 11 आ जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 11 इन टू y, और इधर से हमारे पास y माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब इनको अलग अलग इक्वल टू ज़ीरो कर दें, ये हो जाएगा y माइनस 11 इक्वल टू ज़ीरो, इधर y माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ y की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी और इधर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू इक्वेशन 3 में अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास x भी आए। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 11 देन x क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 5 माइनस y की जगह 11 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 5 माइनस 11 माइनस 6 आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस साइड पे भी देखें, व्हेन y इज इक्वल टू 1 देन x क्या बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 1, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। अब इनको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना, क्योंकि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम देख रहे थे जिसमें इनका कॉमन सॉल्यूशन होता है, तो इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो माइनस 6 और यहाँ से y की वैल्यू 11, ये बनेगा पेयर, और इधर से 4 और y 1 आ जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन सेट जब लिखेंगे ये माइनस 6 11 हो जाएगा और ये 4 1 हो जाएगा। और ये हमेशा आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इस तरह आप ऑर्डर पेयर लिखेंगे। एक इसमें बात याद रखनी है, सबसे पहले जो है आपने x की वैल्यू लिखनी है, उसके बाद आपने y की वैल्यू लिखनी है, और ये वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, यानी आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, हमेशा x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू बाद में आएगी। किसी भी ऑर्डर पेयर को लिखने का मेथड यही है कि पहले x की वैल्यू लिखें बाद में y की लिखें। तो ये क्वेश्चन 1 हमारे पास हो गया था, एक्सरसाइज 2.7। अभी हम इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास। क्वेश्चन 2 में सिमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं वो कुछ इस तरह हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, और सेकेंड है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये है हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसको वही इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y। हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y ओवर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 में जब वैल्यू अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की जगह हमारे पास 1 प्लस 2y ओवर 3 आ जाएगा होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह 1 प्लस 2y ओवर 3 इंटू y, y ही रहेगा माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमने रिप्लेस कर दिया x की जगह उसकी वैल्यू के साथ। अब यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा, तो ये ए स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वेयर 2y होल स्क्वायर हो जाएगा ओवर में 3 स्क्वेयर 9 हो जाएगा। इधर माइनस y ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ y को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बाहर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा y प्लस y इंटू 2y, 2y स्क्वेयर होल ओवर 3, और इधर माइनस
वाई स्क्वायर आ गई। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें और ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा वन स्क्वायर वन ही रहेगा, प्लस टू टू ज़ा फोर वाई हो जाएगा, और ये प्लस फोर वाई स्क्वायर हो जाएगा होल ओवर नाइन। इधर माइनस वाई प्लस टू वाई स्क्वायर ओवर थ्री, और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है कि आप पूरी इक्वेशन को नाइन से मल्टीप्लाई कर दें, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप इसके एलसीएम ले लें। अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखें क्या बनेगा, नाइन एलसीएम आ जाएगा, नाइन और थ्री का, नाइन से नाइन कैंसिल, वन प्लस फोर वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस, अब नाइन डिवाइडेड बाय थ्री, थ्री आएगा। अब इसको ब्रैकेट में लिखना है, थ्री मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस टू वाई स्क्वायर से, इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखेंगे माइनस ने अंदर जाके इसके साइन चेंज करनी है। उसके बाद जिसके ओवर में कुछ ना हो एलसीएम उससे मल्टीप्लाई होता है, तो ये माइनस नाइन वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब ये नाइन इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और इसको आप एज इट इज़ ज़रा लिखें, वन प्लस फोर वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर, और माइनस थ्री मल्टीप्लाई करेंगे माइनस थ्री वाई, माइनस प्लस माइनस थ्री टू द सिक्स वाई स्क्वायर, और इधर से माइनस नाइन वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ये नाइन इस ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़रा सिंप्लीफाई करें, इस दोबारा ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस फोर वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर, अच्छा इनको एडलेस कर दें साथ ही, फोर वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई स्क्वायर टेन, टेन माइनस नाइन वाई स्क्वायर, यहाँ सिंपल वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फोर वाई प्लस थ्री वाई, ये हमारे पास सेवन वाई हो जाएगा, प्लस वन, और ये प्लस नाइन इधर आएगा तो माइनस नाइन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस सेवन वाई माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। अभी इसे हम फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा वन इंटू एट, टू इंटू फोर एट, वाई से पहले प्लस बड़ी वाली प्लस, बाद में माइनस आती है माइनस, प्लस एट माइनस वन, ये वाला पेयर हम यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एट वाई माइनस वन वाई माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन हमारे पास वाई आ जाएगा, तो इधर वाई प्लस एट रह जाएगा, यहाँ से माइनस वन कॉमन लेंगे तो वाई प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों में कॉमन वाई प्लस एट है, इधर से वाई इधर से माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, वाई प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, या हमारे पास वाई माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ से वाई की वैल्यू माइनस एट आ जाएगी, और इधर वाई की वैल्यू वन आ जाएगी। और वही स्टेटमेंट लिखेंगे, वेन y इज इक्वल टू माइनस एट, देन x क्या बनेगा, x इक्वल हो जाएगा वन प्लस टू वाई, वाई की जगह माइनस एट आ जाएगा ओवर में थ्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इसी साइड पे कर लें, x इज इक्वल टू वन माइनस सिक्सटीन बाय थ्री, तो x की वैल्यू माइनस फिफ्टीन बाय थ्री, यहाँ से x की वैल्यू माइनस फाइव आ जाएगी। तो ऑर्डर पेयर यहाँ से जो बनेगा वो माइनस फाइव और माइनस एट बनेगा, ये ऑर्डर पेयर बनेगा। उसके बाद इधर आप y की वैल्यू अप्लाई करें, यहाँ x क्या बनेगा, ये बनेगा वन प्लस टू इंटू माइनस प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, थ्री बाय थ्री, तो यहाँ से x की वैल्यू वन आ जाएगी, तो इधर ऑर्डर पेयर वन एंड वन बनेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन सेट माइनस फाइव माइनस एट और वन वन, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से करना, इसमें कहीं भी प्लस माइनस का इशू हो गया तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो अभी इसका क्वेश्चन टू हमने देख लिया, कोई इशू हुआ तो आप इसमें देखें, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन नंबर टू में अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड वाई की वैल्यू है, एक्स निकालने के लिए आप इसमें वैल्यू अप्लाई करेंगे, आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, देखेंगे ज़रा। क्वेश्चन 3 है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7, ये एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2 ओवर एक्स माइनस 5 ओवर वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड ये इक्वेशन। अब इसमें ज़रा करें इसको सिंपलीफाई। सबसे पहले तो इसको देख लें, पहले इसका एलसीएम ले लें ताकि इसको बाद में फ्रैक्शन सॉल्व करना इजी हो। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y, माइनस वाई से वाई कैंसिल, एक्स मल्टीप्लाई होगा तो 5x इज इक्वल टू 2। अब एक्स वाई डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2xy की इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब इधर से आप x की वैल्यू निकालें और इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें तो देखें ज़रा, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, माइनस वाई इधर आएगा तो प्लस वाई हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में अप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 बिकम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y माइनस 5x की जगह हमारे पास आ जाएगा 7 प्लस वाई इक्वल टू 2x की जगह फिर 7 प्लस वाई आ जाएगा और इधर y एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 2y माइनस 5 7 35 माइनस प्लस माइनस 5y इक्वल टू 2 7 14 प्लस सॉरी 14y भी साथ आएगा, y भी मल्टीप्लाई करें, 2y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अरेंज करें, 2y माइनस 5y माइनस 3y माइनस 35 इक्वल हो जाएगा इधर, ये आ जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर और ये प्लस 14y। अब ये वैल्यूज़ इधर माइनस हो रही हैं, इधर जाके प्लस हो जाएंगी, अरेंज करेंगे ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 3y इधर आएगा प्लस 3y माइनस 35 इधर आएगा प्लस 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी अब ज़रा इसे सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 3y प्लस 17y और प्लस 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी अब ज़रा देखें इसको, 35 टू 70 होगा, फैक्टराइज करें, 1 × 70 2 35, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 5 से होगा 5 14 70। हमें क्या बनाना है, हमें 17y, नेक्स्ट ज़रा देखें, एक 7 से भी हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 10 भी होगा। वाई से पहले पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, बाद में पॉजिटिव तो स्मॉलर भी पॉजिटिव, प्लस 10 प्लस 7 ये वाला पेयर यूज़ करना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 7y प्लस 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन हमारे पास 2y आ जाएगा, 2y कॉमन लेंगे, इधर रह जाएगा हमारे पास y और इधर आ जाएगा प्लस 5 और इधर प्लस 7, इधर हमारे पास y आ जाएगा और इधर फिर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे यहाँ से, y प्लस 5 कॉमन आएगा, y प्लस 5 इंटू इधर से 2y और इधर से प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम इनको इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, यहाँ से y प्लस 5 इक्वल टू 0 और इधर से 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इधर से y की वैल्यू हमारे पास माइनस 5 आ जाएगी, इधर 2y इज इक्वल टू माइनस 7 ये इधर जाएगा तो y की वैल्यू माइनस 7 बाय 2 आ जाएगी। अब x फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 5
देन एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस 5, वाई की जगह 5, तो एक्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। इधर जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 12 बनेगा और माइनस 5, ये माइनस अप्लाई करना, इसकी जगह फिर हमारे पास माइनस आ जाएगा, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा, तो ये 2 बनेगा, ये हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा। उसके बाद उधर अप्लाई करें, इधर आ जाएगा हमारे पास व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 7/2, देन x इज इक्वल टू 7 माइनस y की जगह ये प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस 7/2 हो जाएगा। 12 से हम ले लें, 2 7 14 माइनस 7, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 7/2 आ जाएगी। तो इधर जो हमारे पास, यानी इसका पेयर पहले लिखेंगे, पेयर बनेगा 7/2 और इधर से माइनस 7/2, और अगर फाइनल आंसर देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 5 और इधर 7/2 माइनस 7/2, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसमें कोई इशू हुआ तो आप वहीं से डिस्कस कर लें, आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो इसको करें, इसमें कोई इशू होगा तो आप इसे डिस्कस करें। एक पार्ट, एक टाइप इसकी और है उसका, यानी क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का है, उसको ट्राई करेंगे, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर मैं करवा दूँ। आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं, इसको देखें, कोई होगा इशू तो हम इसे डिस्कस करें। तो वीडियो को देखें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।